अमेरिका के टेक्सास में मंगलवार दोपहर फायरिंग की दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल इस फायरिंग की घटना को 18 साल के एक युवक ने अंजाम दिया। हमले में 18 स्टूडेंट्स और 3 टीचर की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। टेक्सास पुलिस के मुताबिक हमलावर युवक अपना वाहन छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ था। उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी। इसके साथ ही टेक्सास के गवर्नर ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। वहीं जापान दौरे से लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरे मामले पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। इस हमले में बहुत सी आत्माएं कुचली गई हैं और माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। बाइडेन ने आगे कहा, ये वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना होगा।